संकटे महाराष्ट्र सरकार शिवसेनार वरिष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र नगर उन्नयन मंत्री एकनाथ शिंदे दलर 26 जन विधायकों सह मिशि राज्य बाहर को जाई गुजरातर सूरत शहर में एक होटल रे आत्मगोपन करने राज्य राजनीति में संकट उपजी पदक्षेप महाराष्ट्र शासक दल शिवसेनार भविष्य को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। जो विधायक मैंने राज्य बाहर को दलबद्ध भाव चली जाइछन्ति सेमाने हेले तनाजी सावत, बालाजी कल्याणकर, प्रकाश अनंतराव अवितकर, एकांश सिंधे, अब्दुल सतर, संजय पांडुरंग, श्रीनिवास ओनेगा, महेश सिंधे, संजय रामवेलकर, विश्वनाथ भोयर, संदीपन राव भूमरे, शांताराम मोरे, रमेश बोर्नारे, अनिल बाबर, चिन्मय राव पाटिल, शंभुराज देसाई, महेन्द्र दलभी, शाहजी पाटिल, प्रदीप जयसवाल, महेन्द्र थोरबे, किशोर पाटिल, ज्ञानराज चोगुले, बालाजी कनिकार, भरत सेठ भोगले, संजय गायकवाद, सुभाष खंडे। सोमवार विधान परिषद निर्वाचन परे शिवसेनार वरिष्ठ नेता तथा महाराष्ट्र नगर उन्नयन मंत्री एकनाथ शिंदे दलर 26 जन विधायकों सह मिशि राज्य बाहर को चली जावापर सारा राज्य में चांचल्य सृष्टि होई। निर्वाचन पर अचानक विधायक मैंने एभली दलबद्ध भाव राज्य बाहर को जा आत्मगोपन करने घटना विद्रोहर आभास देता बेले एने निजर मत रखिंट शिवसेना सांसद संजय राउत। से कहते एकनाथ शिंदे दलर खूब विश्वस्त आमर जोगाजोग आमर विधायक मैंने खूब शीघ्र फेरवे। निर्वाचन पर अचानक विधायक मैंने एपरी दलबद्ध भाव राज्य बाहर को जा आत्मगोपन करने घटना विद्रोहर आभास दे शिवसेनार किसी विधायकों विरोध में क्रॉस वोटिंग अभियोग आसापर एभली घटना एवं सामना को आसी। शिवसेना विधायक मैंने सिंधे गुजरात सूरत सहर से एक होटेल रही सूचना मिली। वो भी वापस आ जाए किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मनाने की देखिए, मैं एकनाथ शिंदे जी को पहचानता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति है, वो बिना शर्त एक शिवसैनिक के नाते अपने घर वापस आ जाए। क्या 80 घंटे की सरकार की तरह ये भी सफल असफल होगा? ये प्रयत्न पूरा असफल होगा। एर मध्य वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे को विधायक दल नेता पदर अपसारण कर दल शिंदे स्थान में अजय चौधरी नुआ विधायक दल नेता भाव दायित्व संभालिपार दल पक्ष निष्पत्ति विशेष सूत्र सूचना मिली। 2019 नवेम्बर में शिंदे को विधायक दल नेता भाव निर्वाचित कर दल वरिष्ठ नेता तथा कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे 10-13 जन शिवसेना विधायकों धरी बीजेपी शासित राज्य गुजरात सूरत में पहुंचा चर्चा हो सिंधे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल संपर्क चर्चा होधे उद्धव ठाकरे सरकार प्रति एवं संकट देखा। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति तेज हो गई है, शिवसेना के विधायक कई सारे सूरत में पहुंच गए, आपको लगता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को खतरा है? सरकार ये कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में थर्ड इंसिडेंट, इससे पहले जो हुए थे मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना इससे पहले कुछ हमारे एमएलएस को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुजरात में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वापस आ गए, सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। कल वहाँ इलेक्शन था और जहाँ तक एनसीसी है कि एनसीसी के 2 कैंडिडेट थे और दोनों कैंडिडेट को जो वोटों का कोटा हम लोगों ने दिया था वो पूरी तरह से मिला। एनसीसी का एक भी वोट इधर से उधर नहीं गया, बिल्कुल डिसिप्लिनली हमारे एमएलए ने वोटिंग वहाँ किया और इससे वो जो कुछ कल का इंसिडेंट था इसे हम किसी में हम नाराज नहीं है। एक बात सच है कि हमारे फ्रंट का एक कैंडिडेट वो जीत नहीं सका, वहाँ कुछ वोटों की कमियाँ वहाँ आ गई, मगर ये अन्य पोलिटिकल पार्टी का जो कोटा था और अन्य पोलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी थी उनका कैंडिडेट जिताने के लिए, उसमें कामयाबी नहीं आई। मगर हम वापिस जाने के बाद जरूर हमारे साथियों के साथ बातचीत करेंगे, ऐसे क्यों हुआ और हुआ तो कैसे करेक्ट एक्शन ले सकते हैं इस पर हम ध्यान देंगे। सरकार बचा दिया था क्या, इस बार सरकार आप लोग बचा पाएंगे उम्मीद है आपको?
मुझे यहाँ की जो स्थिति है वो देखने के बाद इससे कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। सर फिर से सवाल करता हूँ, एकनाथ शिंदे बार बार दबाव डाल रहे हैं कि उनको सीएम बनाया जाए, इस पर आपकी सहमति है क्या? नहीं, ये तो मैं आपसे ही सुनता हूँ, ठीक है। अभी तक उन्होंने हमें या किसी को कहा है कि मुझे सीएम बनाओ, ये मुझे मालूम नहीं। मगर एक बात है कि वहाँ जो अंडरस्टैंडिंग है तीनों पार्टी में, इसमें शिवसेना के पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। जस्टिस सीएम रिपोर्ट सकल खबर।